मेरे साथ दिल्ली की कुछ स्थानीय महिलाएं हैं। आजकल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या आप इसको जायज मानती हैं कि जेल से सरकार चलानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाजायज नहीं मानते, क्योंकि जब तक गद्दी में बैठे थे, अपनी कुर्सी में बैठे थे, तब तक तो उन्होंने दिल्ली के बारे में कभी सोचा नहीं, ठीक है ना। और अब जेल में जाके उनको दिल्ली की पब्लिक के बारे में याद आ रही है कि हाँ भाई, हमारे दिल्ली में पानी गंदा है, या सीवर की प्रॉब्लम है, या रोड सड़कों की प्रॉब्लम है, तो हम तो जायज नहीं समझते। आपको क्या लगता है? जी नहीं, जेल से सरकार किसी की नीचे ही नहीं चल सकती। यहाँ पे आए, कुर्सी पे बैठे, पब्लिक को देखे, और ये शराब को जो इन्होंने काम करा, ये तो बहुत ही गलत करा जी। इसलिए तो आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, इस्तीफा देना चाहिए। जेल से कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती, ये नाजायज है, बिल्कुल गलत है जी। और आपको भी लगता है कि जैसे दिल्ली में अगर जेल से सरकार चलेगी तो उसका जो संदेश है देश में जाएगा, देश में भी ऐसे और राज्यों में देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी सरकार जेल से नहीं चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल गलत है ये जी। और अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी, आपको लगता है कि क्या अगली बार भी दिल्ली की जनता फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे पर वोट करने वाली है? नहीं करेगी, नहीं नहीं सर, फ्री तो कुछ चाहिए ही नहीं। फ्री का जो जाल फैला रखा है ना, फ्री के जाल से तो पब्लिक को भ्रमित कर रखा है। जो हो, अपनी मेहनत का हो, कम हो, लेकिन मेहनत का हो, ईमानदारी का हो। और सबसे बड़ी बात जो ये जो दारू के ठेके खुले ना, हमारी दिल्ली नशे में डूब गई है, इस चीज़ के हम बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और जो आदमी सामने का जिसने कुछ नहीं करा, वो जेल के अंदर बैठे क्या कर लेगा? ये तो सिर्फ पब्लिक को भरमाने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। और ये मतलब एक जैसा कहते हैं ना कि पब्लिक को भरमाना, और यही वो करते हुए आए हैं, तो हम लोग सब इसके खिलाफ, इसलिए सब इकट्ठे हो रखे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे। तो मतलब फ्री अगली बार उनका मुद्दा नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हजार, इन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो बच्चों की स्कॉलरशिप मार दे रहे हैं, बच्चों को जो राशन मिलता था स्कूल में, राशन तक बंद कर दिया है, और मोदी सरकार राशन दे रही है, पैसे नहीं दे रहा, वो कहाँ से देगा? झूठा है, झूठा, झूठा नंबर वन है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। पेंशन नहीं आ रही बच्चों के स्कूल में, पेंशन नहीं आ रही तो क्या है जी? हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए और ये हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 1000 रुपए नहीं चाहिए, जिनके पेंशन लगे वो पेंशन लगने चाहिए, जिसकी रुक रहे वो दी नहीं चाहिए, जो हिसाब हो रहा है। कह रहा है कि 1000 रुपए से क्या होगा, झूठ बोल रहा हूँ कि 1000 रुपए देंगे। इन्होंने कहा कि हमारे जो दिल्ली के अस्पताल हैं बहुत बढ़िया बन गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक नेता है राघव चड्ढा, वो अपनी आंखों का इलाज कराने विदेश गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? अपने आप इलाज कराए ना एक बार वहाँ केजरीवाल, तब पता चलेगा बढ़िया खोले हैं। बढ़िया क्या है, गवर्नमेंट में करवाए। जब उनको खांसी होगी तो इलाज के लिए सिंगापुर चले गए थे, अपना इलाज करने के लिए विदेश जा रहे हैं, और पब्लिक कहते हैं फ्री फ्री है, तो पब्लिक का इलाज करवाए ना सिंगापुर जाके या विदेश जाके, तब तो हम उनको माने भी। पब्लिक के लिए उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। उनके बच्चे और एक महिला को 1000 रुपए का लालच दे दिया, इसे हमें कुछ दीजिए, 1000 रुपए का हमें नहीं, हमें तो ये है कि इस्तीफा दो बस, नहीं हमें शराबबंदी बंद हो, इस्तीफा दे, हमें लाखों का नुकसान, हमें कुछ, हम हजारों का क्या करेंगे, हमें लाखों, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर दवाओं में लगा है, हमारे बच्चे बढ़ा दिया और तो 1000 रुपए दे रहे हैं, हमारे बच्चे नशे में डूब गए हैं, हम क्या करेंगे? बच्चे आस के पड़ोसी के इधर के उधर के जिसे देखो वो 100 की 2 मिलती है तो लेता है, वो खात पीता, वो घर में नहीं दे रहा रोटी को, पानी को, चाय को, बच्चे भूखे रह रहे हैं, लेकिन जाके ठेके पे खड़ा होता है। कभी भजनपुरे मार्केट में ठेका खुला, इनकी वजह से भजनपुरे मार्केट में ठेका खुला, जिसकी वजह से पब्लिक लेट से निकलते हुए घबराती है, क्योंकि लाइन लगी रहती है वहाँ पर। ये किसने करा है? केजरीवाल जी ने करा, तो ये महिला को नहीं देखते, वैसे कहते मैं महिलाओं के साथ हूँ, क्या साथ हो तुम? इनसे पूछे, उनसे पूछे, जिनके मियाँ काम करते हैं पूरे दिन मजदूरी करेंगे, शाम को ठेके पर खड़े होते हैं, वो घर पर रो रही है कि मियाँ जी आएंगे पैसे देंगे, लेकिन कुछ ही नहीं देते, वो क्या लाते जेब में रखे शराब की बोतल, तो इससे क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री से? आप तो इन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए, और हम इस्तीफा लेके ही रहेंगे, इनसे देना पड़ेगा। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसे वैसे तो पेंशन दे रहा है कि 18 साल से ऊपर वाली बहनों को पेंशन, पेंशन का क्या मतलब है जी? जो 60 साल की जिनको जरूरत है उनको तो दे नहीं रहा है, और 18 साल से ऊपर तो देखो सब कमाने वाले होते हैं, उससे नीचे तो फिर भी छोटे बच्चे माने जाते हैं, उनको तो पेंशन दे रहा है, और उनके आदमियों को फ्री में दारू दे रहा था और फ्री में राशन दे रहा है, वो क्यों कमाएंगे? वो गलत काम करेंगे, और फिर गलत काम करेंगे तो उसकी वोट बढ़ेगा, देश
देश का नाश होगा। तो देश की सुरक्षा के लिए तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं, इससे अच्छा मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। तो आपको भी लगता है कि फ्री का जो चीजें हैं वो नहीं बटनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं बटनी चाहिए, नहीं चाहिए फ्री की, नहीं चाहिए फ्री की। इसे तो देखो आदमी ना एक इज्जत से नहीं जी सकता कि कोई भी दूसरों के गलत नजर से देखेगा कि फ्री का राशन मिल रहा है, क्या लाइन में लगे हैं। शर्म आती है कि फ्री का मतलब अब शराब थी एक के ऊपर एक फ्री। अरे भाई बच्चों को पढ़ा, उनकी नौकरी लगवाओ, उसमें तो कुछ फायदा है, और फ्री की दारू देने से क्या फायदा होगा। हमारी बहनें हमारे पड़ोस में रहती है, आदमी दिन में कुछ रिक्शा चलाएगा, शाम को फ्री की दारू लेके और उनके बीवी बच्चों को पिटाई करता। वो आती मेरे पास, मैं कमलजीत सहराव जी के साथ हूँ जी, मेरे आदमी ऐसे मारता है, मैं कहा जी फ्री की दारू पियोगे तो मारे खाओगे, ठीक है कमा के खाओगे तो तुम भी आदमी भी इज्जत करेगा और तुम भी आदमी की इज्जत करोगी। फ्री में तो जी कोई किसी की इज्जत नहीं करता, तो हम ये चाहते हैं कि कमा के खाओ, इज्जत से जियो। और पानी नहीं, पानी इतना गंदा आ रहा है कि पूछो मत पानी भी कभी। और केजे कर वहाँ से चलाएंगे सरकार, कहाँ से चलाएगा, वहाँ से चलाने वाले नहीं है, उसको हटा के छोड़ेंगे हम तो। हाँ उसको हटा के छोड़ेंगे वहाँ से। मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बहुत लूट लिया और भ्रष्टाचारी आपकी अंत सीमा पे है, तो इसलिए आप इस्तीफा दे दें जनता के प्रति, क्योंकि और दिल्ली को हमें सुरक्षित बनाना है। और आतंकवाद से आपने बहुत भर दिया, आतंकवाद शराब बेटे घोटाले यानी बच्चों को शराब पिला दिया आपने, ये हमें शोभा नहीं दिया। आप कुर्सी से हटिए, इस्तीफा दीजिए। मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा ही देना चाहिए हमारे हिसाब से तो, है ना, क्योंकि जेल में बैठ के कहाँ सरकार चलाएंगे। हैं जेल तो उसके लिए होती है, कैद के लिए, सरकार चलाने के लिए थोड़ी ना होती है, या तो बाहर है। मुख्यमंत्री की पत्नी आजकल भावनात्मक वीडियो जारी कर रही हैं, कैसे देखते हैं आप? अब ये है कि मुख्यमंत्री का काम जो होता है एक अच्छे नागरिक को मतलब सपोर्ट करना होता है कि वही उनको सब तरह की सुविधा दी जाए और अपने कार्य सारे अच्छी तरह से किए जाए, है ना। तो वो उन्होंने नहीं क्या शराब के ठेके खुलवाए जगह जगह, है ना, माता बहनों को परेशानी, वैसे ही परेशान रहते हैं वो तो, और उनको मतलब भाई है, बाप है ना, और पति है, शराब मतलब पियेंगे तो घर कैसे चलेगा उनका, ये तो बहुत गलत काम किया उन्होंने, नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश आप लोग व्यक्त करने आई हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को सरकार जेल से चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। जब से ही वो सत्ता में आए हैं उन्होंने लोगों को फ्री फ्री का लॉलीपॉप दे के उनको एक तो गुमराह कर रखा है, ऊपर से अब जो ये शराब नीति अपनाई है उसमें तो उन्होंने मंदिर और अपने स्कूल भी नहीं छोड़े, उनके पास भी ठेके बनाए हुए, बच्चे भी पूछते हैं कि मम्मी ये किस चीज की दुकान है, तब माँ बाप को भी बताते हुए शर्म आती थी कि बेटे ये इसकी दुकान है, और एक के साथ एक फ्री। अरे अगर आपको फ्री देना था तो बच्चों की एजुकेशन में देते, जो बच्चे रोजगार नहीं मिल रहा उनको रोजगार देते, बहनों के लिए रोजगार देते, लेकिन उन्होंने तो दारू फ्री का नारा देके और इतना भ्रष्टाचार फैलाया जिसका नतीजा आप भी देख रहे हैं, वो जेल में है, और आज हम सब यहाँ पर उनका उनको इस्तीफा दिला के और अब बिल्कुल ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हद कर दी, हम बहनों के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है, और हम बहनें जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वो तो कुछ कर नहीं पाया, लालू यादव तो अपनी राबड़ी को आगे किए थे, अब ये अभी सुनीता को राबड़ी देवी बना के आगे कर दिया, चोर वो चोर के लिए तो जेल ही है, जेल के सिवा उसके लिए कुछ भी नहीं है, फ्री 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 का चक्कर बहुत महंगा है। अरे वो राबड़ी बना के भेजा है, उसका यहाँ चलने वाला नहीं है, उसको कहो जेल में ही रहने के लिए। देखिए एक बात कहूंगी, चोरी एक कहावत सुनी है आपने, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और चोरी छुप नहीं सकती केजरीवाल के लाख सबूत देने से। आज वो अंदर है, राम राज आ गया है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फोटो की राजनीति, नामांकन जगह जगह भर दो, जगह जगह फोटो लगा दो, मैंने इतनी ऐसी बस चला दी, मैंने ये कर दिया, एडवर्टाइजमेंट की राजनीति कर ली, एक दिन सच सामने आता है, और वो सच आज सामने आ गया है। जिस समय कोविड में त्राही त्राही हो रही थी, मौत का तांडव हो रहा था, उस समय ये व्यक्ति घर में बैठ कर शराब नीति बना रहा था कि मैं किस तरह पैसे कमाऊं। वो वक्त आ गया और ये इस्तीफा देगा
चोर डकैत बैठ के माफिया चलाते हैं हिंदुस्तान में, तो मैं क्या बोलूं केजरीवाल जी, आप उन्हीं के भाई बहन हैं क्या जो जेल से बैठकर आप दिल्ली चलाएंगे? ये कतई मंजूर नहीं होगा। और केजरीवाल जी की सारी चोरी पकड़ी गई, इनके पहले भी दो मंत्री जेल में चले गए और आज ये चले गए। जो अन्ना हजारे को बेवकूफ बना के पार्टी बनाई गई, लोगों का कह रहा था मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं तो दिल्ली की सड़कों को पेरिस बना दूंगा, जमुना जी ऐसी बना दूंगा, सब डुबकी मारो और स्नान करो। केजरीवाल जी आज 10 साल हो गए आपको, एक चीज पे भी अब खड़े उतरे हैं, एक नया स्कूल नहीं, नया हॉस्पिटल नहीं, नया पुल नहीं, कोई काम नहीं, बस कुछ चंद लोगों को एक लॉलीपॉप दे दी झूठी, छोटे कुछ लोग जो बहुत गरीब तबके जिनको तरक्की भी नहीं करने दी, उसके घर के आगे ठेका ऑफिस, उसके शराब ठेके खोल दिए मंदिरों के आगे, शराब ठोके खेल दिए स्कूलों के आगे, उनके बच्चे जवान बच्चे आज, एक माँ घरों में काम करती है 10,000 रुपए महीने पर, बाप लेवर का काम करता है, रात को बढ़िया दारू पीता है, केजरीवाल को नमस्कार करता है, बिल जो उसके छोटे मोटे बिल आते हैं, पहले तो बिजली कट जाती है, आते छोटे मोटे बिल भर देता है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। जानते हैं क्या हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोला गया इसने? स्लम एरियाज में जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मोहल्ले की जो जवान बच्चे हैं वो बैठ के वहाँ दारू पीते हैं और चिकन पकाते हैं और वो खाते हैं और कहता है यही सिपाही है मेरे। तो केजरीवाल जी आपकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है और अब आपको इस्तीफा देना होगा बाय हुक और बाय क्रुक, ये दिल्ली की जनता आपसे इस्तीफा लेके मानेगी। देख सकते हैं कि जो स्त्री शक्ति है उसने ठान लिया है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेकर रहेंगे। इनका कहना है कि हमें 1,000 रुपए नहीं चाहिए क्योंकि आपके सत्ता में रहने से हमें लाखों का नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा है कि हम अगली बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर वोट नहीं पड़ेंगे और दिल्ली में कौन बेहतर शासन दे सकता है, कौन बेहतर सुविधाएं दे सकता है, इस आधार पर वोट पड़ेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी देश ने खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।